यहाँ पर नौजवानों के लिए अध्यक्ष महोदय हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अभी आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी, झारखंड सर्विस कमीशन, इन सब में कितनी त्रुटियां रही है। राज्य अलग होने के बाद पहली बार जेपीएससी को हम लोगों ने नियमावली बना के दिया अध्यक्ष महोदय, और अभी इसका एग्जाम भी 19 या 20 तारीख को होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, अब जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के विकास की नींव की स्थापना कर रहे हैं, चाहे आने वाला समय में कितने भी तूफान आ जाए, फिर इस राज्य का नींव नहीं हिल सकता अध्यक्ष महोदय, अगर ये हम लोगों ने सही तरीके से स्थापित किया। हर विभाग की नियमावली बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हर विभाग में इतनी त्रुटियां, एक विभाग में तीन थी, पुलिस विभाग में होमगार्ड का नियमावली अलग, जैप का नियमावली अलग, जगुआर के नियमावली अलग, सब वर्गों के विभागों के अलग अलग नियमावली, जबकि होना क्या चाहिए था, राज्य में नियुक्ति हो तो कार्मिक विभाग के निर्देशों पर नियुक्ति हो, उनके नियमावली के आधार पर कार्मिक विभाग से वेटेज प्राप्त नियमावली से, लेकिन विभागों ने अपने अपने तरीके से कर रखे। पहले भी नियुक्तियों में भाषाओं को अंकित किया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अंक जोड़ने के मामले में बिल्कुल एक नंबर, दो नंबर, कहां से स्थानीय नौजवान पास करेगा स्थानीय भाषा लेकर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा है कि यह वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार दिन रात इस विषय पर काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और मुझे पूर्ण विश्वास है आज व्यवस्था इस काम में पूरी तरीके से तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हर वर्ग, चाहे शिक्षक हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग रिक्त पड़े पद हो, उन सबको जेपीएससी में उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन भेजे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब शुरू हुई है, अब मुझे लगता है कि महीने भर के बाद लगातार नियुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान बड़े पैमाने पर इसका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं उनके लिए भी अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष महोदय सिर्फ पढ़ने लिखने वाले, सभी वर्ग के नौजवानों के लिए हम लोगों ने रोजगार के आयाम खोल रखे हैं अध्यक्ष महोदय। आपको मालूम होगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो नौजवान है वो चाहता है कि हम ट्रैक्टर लेकर के अपना रोजगार सृजन करें। ट्रैक्टर देने का है अध्यक्ष महोदय, स्कॉर्पियो देने का है अध्यक्ष महोदय, टेंट हाउस देने का, और भी 100% एक रुपया नहीं लगना है अध्यक्ष महोदय, 50% का अनुदान और 50% का सरकार उसका जिम्मा ले रही है अध्यक्ष महोदय। बस आपको जाकर के आवेदन करना है एसटीएससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो ऐसे कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय,